आज एक टीचर को वहां शहीद किया गया, आज कश्मीरी लीडर कहां नहीं होगी। जहां भी लाख प्लाजा जिस जिसके भी साथ है, ऐसे लोगों को तबाह कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी सांबे की रहने वाली थी जो कि उसकी डिप्टी कश्मीर में थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कश्मीर के लीडरों को, आज कश्मीर के लीडर कहां बैठे हुए हैं? आज हमारे टीचरों को वहां, टीचर मैडम जी को वहां शहीद किया गया है, उसकी वहां पर सीधी आज लगी है। आज एक भी कश्मीरी लीडर का बयान इस टाइम तक मैंने सुना नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, एक मामूली सा एक ट्यूट होता है और पूरे हिंदुस्तान में उस ट्यूट करते रहते हैं। आज एक टीचर को वहां शहीद किया गया, आज कश्मीरी लीडर कहां है? आज कश्मीरी लीडरों ने इस पर इस टाइम तक बयान नहीं दिया, क्यों? दूसरी बात, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अपील करता हूं, उग्रवादियों की जहां भी लाख प्लाजा जिस जिसके भी साथ है, ऐसे लोगों को तबाह कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। और इनके पीछे किस लोगों का हाथ है, उन लोगों को चुन चुन कर चौक में खड़ा करके गोली मारनी चाहिए जो कि उग्रवादियों को बढ़ावा देते हैं, या उग्रवादियों को सपोर्ट करते हैं, या उग्रवादियों को पालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं बार बार ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, यह मेरी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। मैं अपील करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे और गवर्नर साहब के आगे, जब तक इन लोगों की जड़ नहीं खोदी जाएगी, तब तक ये लोग दरिंदे खत्म नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को अगर हमें खत्म करना है तो हमें इनकी जड़ खोदनी पड़ेगी। इनको सपोर्ट करने वाला आदमी कौन है? ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। जे चुन चुन कर हमारे टीचरों को की हत्या की जा रही है, पहले भी टीचरों की हत्या हुई है, मैं पूछना चाहता हूं जो वो हमारे टीचर जो कश्मीर में जाके सरकारी स्कूलों में इनके बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, इन बच्चों को एक अच्छा बनाने के लिए टीचर हमारे काम करते हैं, ये लोग उन लोगों पर गोलियां बरसाते हैं। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। मैं ये बार बार गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, कश्मीर पर तीसरा नेत्र सेंटर गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से खोलना चाहिए। इनकी, इन लोगों को जड़ से खोदना चाहिए। इनके पीछे हाथ किसका है? इन लोगों को पालने वाले कौन से लोग बैठे हुए हैं? दूसरा, मैं कश्मीरी लीडरों को पूछना चाहता हूं, आप कुर्सी के लिए तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। जब कोई भी हमारा आदमी शहीद होता है, या हमारा इंडिया आर्मी का जवान शहीद होता है, या JKP पुलिस का जवान शहीद होता है, या हमारे बेड फोर्स के कोई भी जवान शहीद होते हैं, या सिविल के लोग शहीद होते हैं, एक बार भी जय कश्मीरी लीडर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, उग्रवादियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? आप लोगों को चाहिए क्या? अपने भारत के हक में बोलना चाहिए, भारत के लिए बोलना चाहिए और इंडिया आर्मी की तारीफ करनी चाहिए। मैं ये बार बार कहना चाहता हूं, कश्मीरी लीडरों ने जे पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उग्रवादियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, मिलिटेंटों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, गवर्नर साहब के आगे भी अपील करता हूं, यम से खुद डालना चाहिए, इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए जो कि देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। कितने लोग और जो है वो हमारे शहीद होंगे, तीसरे दिन आदमी को शहीद कर देते हैं, यह कोई एक छोटी बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।